चोर बना रहे थे ज्वेलरी की दुकान और बैंक को निशाना। जमीन के अंदर कई मीटर तक खोद रखी थी सुरंग, लेकिन रास्ते से निकला आलू का ट्रैक्टर और फिर जमीन पर हो गया बड़ा गड्ढा। इसके बाद जब की गई खोजबीन तो पुलिस को मिला चोरों के विरुद्ध बड़ा सबूत। आलू क्या कर सकता है, आप कहेंगे कि लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन आलू इससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है। आलू चोर पकड़ सकता है, चोरों के द्वारा बनाई गई सुरंग का पता लगा सकता है। आपको ये बात भले मजाक लग रही हो, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि आलू ने चोरों को खोज निकाला है। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर और सुनकर आपका भी माथा चक्कर खा जाएगा। दरअसल जयपुर की अंबाबाड़ी सब्जी मंडी, जहां रोजाना की तरह सब्जियों से भरे ट्रैक्टर मंडी में आया करते थे, इसी तरह बीते दिनों भी सुबह लगभग 4 बजे एक व्यापारी का आलू लदा ट्रैक्टर मंडी में आ रहा था, लेकिन जैसे ही मंडी में ट्रैक्टर एंट्री करता है उससे पहले ही जमीन में धंस गया। मंडी में मौजूद लोगों ने सोचा ट्रैक्टर को आगे पीछे करके जैसे तैसे निकाल लेते हैं ताकि पीछे खड़े ट्रैक्टर मंडी में जा सके। बस यहीं से पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है कि इसके बाद कई खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर आ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर ट्रैक्टर धंसा था वहां पर गड्ढा मात्र नहीं था बल्कि बहुत लंबी सुरंग थी। इस घटना की सूचना पाते ही बड़े बड़े जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे। पुलिस ने जब इस सुरंग की खोजबीन की तो इस सुरंग का रास्ता अंबाबाड़ी सब्जी मंडी के पास सोहनलाल धोबी की दुकान पर जा पहुंचा। फिर पुलिस ने दुकान का ताला खुलवाया, दुकान मालिक के साथ हैरान रह गए। इस मामले को लेकर पुलिस को दुकान मालिक और उसके बेटे राजेश ने बताया कि 11,000 रुपए प्रतिमाह पर 6 महीने पहले उन्होंने अपनी दुकान उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनवर सलमान सहित 4 लोगों को किराए पर दी थी। तब युवकों ने मंडी संबंधित काम करने का बोलकर मनोज नाम के शख्स की आईडी भी दी थी। इतने में पुलिस ने दुकान मालिक को बोलकर युवकों को बुलवाया, लेकिन मौके पर एक युवक ही पहुंचा। लेकिन जैसे ही युवक को पता चला कि वहां पर पुलिस मौजूद है तो वहां पर वो दबे पांव भागने लगा। बस इसी घटना के बाद पुलिस का शक उस व्यक्ति पर और गहरा गया और उसने इस मामले की छानबीन करना शुरू कर दी। इसी के तहत जब दुकान मालिक की तलाशी ली गई तो फर्जी दस्तावेज, किरायानामा और सुरंग का नक्शा भी मिला। हिरासत में लिए गए युवक की निशानदेही पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि दुकान के नीचे 10 फीट अंदर से खोदी गई 100 मीटर सुरंग का रास्ता SBI बैंक, सेंट्रल बैंक और एक ज्वेलरी शोरूम की तरफ निकल रही है। हालांकि ज्वेलरी शोरूम और दोनों बैंक तक पहुंचने में 50 फीट की खुदाई बाकी रह गई थी, लेकिन आलू से भरे ट्रैक्टर के धंसने से चोरों की योजना का पर्दाफाश हो गया। इस मामले को लेकर जयपुर नॉर्थ DCP राशि डोगरा ने बताया कि समय रहते सुरंग का पता चल गया, नहीं तो बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। वारदात के लिए जिस दुकान का बदमाशों ने चयन किया और सुरंग खोदी, वहां से नक्शा बरामद हुआ है। इस सुरंग को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सुरंग के अंदर LED बल्ब भी लगे थे और सुरंग खोदने के औजार भी मिले। ये गैंग UP के बरेली की है, जो करीब 4 से 5 महीनों से सुरंग खोदने का काम कर रही थी। हालांकि दुकान के अंदर जो नक्शा मिला है उसके आधार पर SBI बैंक में डकैती की साजिश थी। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान में रहने वाले बदमाश रात में सुरंग खोदने का काम करते हैं और किसी को उन पर शक न हो उसके लिए लाइट भी जलाकर रखते थे। जब व्यापारी पूछते तो बोलते खाद का काम कर रहे हैं, तब ई रिक्शे के जरिए कट्टों में भरकर मिट्टी लेकर जाते और व्यापारी सोचते कि खाद लेकर जाते थे, लेकिन जब से सुरंग का खुलासा हुआ तब से व्यापारी डरे सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।